आज बनेगी केसर की पाकशाला में दाल ढोकली। और दाल ढोकली बनाना आसान तो है ही, साथ ही में खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और जब हम दाल रोटी या दूसरी चीज़ से ऊब जाते हैं तो दाल ढोकली बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे टेस्ट को चेंज करने के लिए। एक बर्तन में हमने पानी डाल दिया है और साथ ही डाल दी है आधी छोटा चम्मच हींग और एक चम्मच नमक। थोड़ा सा हमने इसमें डाला है घी। तुअर की दाल जो है हमने पहले से भिगो के रखी थी एक कटोरी, वो कटोरी हम इसके अंदर भीगी हुई दाल डाल देंगे। और ख्याल रखें कि दाल जब हम उसमें मिलाए तो पानी जो हमारा है वो गर्म रहे। और कुकर का ढक्कन हम यहाँ पर लगा देंगे। दाल जब तक हमारी बनेगी हम दाल को दो सीटी देंगे और दाल बनेगी जब तक हम यहाँ पर हमारी ढोकली के लिए जो है आटा लगा देंगे। आटे में मैंने थोड़ा सा नमक मिला दिया है, अजवाइन एक छोटा चम्मच। नमक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मिलाना है क्योंकि वो स्वाद चाहिए उसके लिए। और मिर्च मैं यहाँ पे मिला रही हूँ एक चम्मच, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा मिला दीजिए। और एक छोटा चम्मच हमने यहाँ पे हल्दी मिलाई है, साथ ही मिला दी है मैंने इसमें एक चुटकी भर हींग। अब मिला देते हैं हम बॉयन के लिए इसमें थोड़ा सा तेल, जिससे कि हमारी जो दाल ढोकली जो ढोकली है वो थोड़ी सॉफ्ट बनेगी और खाने में जब हम उसे खाएंगे तो ये हमारे मुंह को चिपकेगी नहीं। आटे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि हमारे मसाला सूखे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें हम अब पानी मिलाकर आटा गूंद लेंगे। ज़्यादा सख्त आटा हमें इसके लिए नहीं गूंदना है, मीडियम आटे को हमें इसे गूंदना है। अब हम हमारी दाल को देख लेते हैं कि दाल बनी है या नहीं। तो दाल हमारी बनकर तैयार है। देखिए बहुत ज़्यादा दाल को हमने इसमें दो सीटी लगाकर अपनी जो दाल है उसी को उस तरीके से बनाया है, तीन अगर हम लगा देते तो हमारी दाल बिल्कुल घुल जाती है। अब दाल हमने अलग निकाल ली है, इसी कुकर में हमने फिर से तेल डाल दिया है। तेल यहाँ पे एक बड़ा चम्मच हमने डाला है। अगर कम तेल इस्तेमाल करेंगे तो दाल का स्वाद अच्छा नहीं आएगा, आप चाहे तो इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरा हमने डाल दिया है एक चम्मच छोटा। और जब तक जीरा तड़कता है इंतजार करते हैं। और अब हमने मिला दी इसके अंदर राई, राई को भी हम तड़कने देंगे। साथ ही मिला दी इसमें कसूरी मेथी थोड़ी सी और अब हरी मिर्च और थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन और कटी हुई अदरक जो हमने यहाँ पे ग्रेट कर ली थी वो अदरक भी हमने इसमें यहाँ मिला दी है। आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़े या फिर छोटी सी किसनी से आप इसे किस भी सकते हैं अदरक को, तो स्वाद जो है वो बिल्कुल अच्छा रहेगा। दाल में जो हम तड़के में लगाते हैं कटा हुआ लहसुन, उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज की प्याज बारीक काटी हुई थी वो भी इसमें मिला दी है और इंतज़ार करेंगे कि प्याज हल्की सी ब्राउन हो जाए। प्याज हमारी अब ब्राउन हो चुकी है तो हम मिला रहे हैं इसके अंदर टमाटर। यहाँ पे दो कटे टमाटर हमने बारीक काटे हुए थे वो मिला दिए। और टमाटर जब तक गलते हैं तब तक हमें इसका वेट करना है और इसे चलाते भी रहना है। 5 मिनट बाद ये टमाटर भी अच्छी तरीके से पक चुके हैं। थोड़ा सा मिला दिया हमने इसे मिर्च, क्योंकि दाल में हमने कोई मसाला मिलाया नहीं था ऐसा, हल्दी और मिर्च हमको मिलाना ज़रूरी है, बिना उसके तो दाल का स्वाद आएगा ही नहीं। और धनिया पाउडर भी हम मिला रहे हैं यहाँ पर दो चम्मच। यहाँ पे धनिया पाउडर जो है वो 2 टेबलस्पून हमने मिलाया है।
जिससे स्वाद जो है वो अच्छा बना रहे। थोड़ा सा और हम इसको भूनेंगे। और अब मिला दिया इसमें नमक एक चम्मच और अपने स्वाद के अनुसार आप मिला लें। थोड़ी सी देर और हम इसे चलाएंगे। टमाटर जो हैं अब पूरी तरीके से गल चुके हैं, तो थोड़ा सा इसमें हम और पानी मिला देंगे, जिससे कि जो हमारा जो मसाला है वो खूब अच्छी तरीके से भुन जाए और हमारी दाल में टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा उभर कर आए। ये देखिए मसाला बनकर तैयार हो चुका है। इसमें आप टमाटर जो हैं या तो काट के डालें या फिर पीस कर भी डालें तो कोई बात नहीं, पिसे हुए टमाटर भी अगर आप डालते हैं तब भी दाल का स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा आता है। अब हमने इसे मिला दी है दाल। अब दाल जब तक उबलेगी तब तक हम यहाँ पर ढोकली के लिए जो रोटी है वो बेल लिए और सारी रोटियां बेलकर छोटे टुकड़े करके और फिर हम एक साथ ही अपनी दाल में मिला देंगे, ताकि जो दाल है हमारे जो ढोकली है जो सब बिल्कुल सामान्य रूप से एक जैसी बनकर तैयार हो। अगर हम इसको पहले से नहीं बेल के रखेंगे और एक साथ नहीं मिलाएंगे तो कुछ जो पहले हम इस दाल में मिला देंगे वह जल्दी बन जाएगी और पीछे वाली जो है वो कच्ची रह जाएगी। तो ऐसा ना करते हुए हम सारी जो रोटियां हैं उनको बेल लेंगे और ये हमारी ढोकली बनकर तैयार हो गई है। छोटे छोटे पीस जो हैं वो हम इसके कर लेंगे, ज़्यादा बड़े पीस हम नहीं करेंगे, नहीं तो जब हम खाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, मतलब बड़े पीस हमारे मुंह में ज़्यादा अच्छे से नहीं आएंगे, वो हमें पसंद नहीं आएंगे, इसलिए छोटे टुकड़े ही इसके लिए ज़्यादा अच्छे हैं जो कि हमारी चम्मच में आसानी से आ सके। तो ये छोटे छोटे पीस हमने कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर मिला देते हैं और अगर ऐसा लगे आपको कि चिपक जाएगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दाल तो गर्म हो रही है और उबलती हुई दाल में जब हम इसको मिलाएंगे तो हमारी ढोकली का जो है चिपकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और जब भी आप ढोकली मिलाएं तो दाल में जो उबाल है वो आता रहे, उसी समय आप ढोकली डालें तो ढोकली जो है बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। ये देखिए बिल्कुल एकदम खिली खिली बनकर तैयार हुई है। 10 से 15 मिनट में आप इसे मीडियम आंच पर उबाल लें ढककर, और ये हमारी ढोकली उतनी देर में बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। दाल ढोकली बनकर तैयार हो गई है। इसमें मिला देते हैं हम थोड़ा सा धनिया और ये तैयार हो गया है हमारी दाल ढोकली। बिना घी के तो इसका स्वाद ही अधूरा है, तो हम इसमें मिला देंगे थोड़ा सा घी, लगभग 2 चम्मच के करीब, और ये है दाल ढोकली बनकर तैयार। तो केसर की पाकशाला में आज हमने बनाई है दाल ढोकली। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।